हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्या जी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कंप्यूटर हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट टू देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, यानी कि रेंज ऑफ वर्ड लेंथ कितनी होती है। तो इसका आंसर है 64 बिट तक होती है। हम जानते हैं सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसकी कार्य करने की क्षमता आम कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग या रिसर्च कार्यों के लिए किया जाता है, जिनमें अत्यधिक उच्च गति की गणना की आवश्यकता होती है। इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो बाकी सभी नॉर्मल कंप्यूटर के मुकाबले हज़ारों गुना ज़्यादा फास्ट होती है। इनमें कई माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं जो पैरेलली काम करते हुए एक साथ कई अलग अलग काम कर सकते हैं, और इनकी स्पीड को फ्लॉप में मापा जाता है। और सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड अरबों गणितीय प्रक्रियाएं संपन्न करते हैं। सुपर कंप्यूटरों के लिए जो शब्द लंबाई की परास होती है, यानी कि रेंज ऑफ वर्ड लेंथ होती है, वो 64 बिट तक होती है। यानी कि एक बार में CPU के द्वारा 64 बिट प्रोसेस की जाती है। वर्ड लेंथ जितनी अधिक होती है वह कंप्यूटर उतना ही अच्छा माना जाता है। और सामान्यतः जो कंप्यूटरों में यूज की जाती है वर्ड लेंथ, वो होती है 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट। तो 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर अगर है तो उसमें वर्ड लेंथ 64 बिट की होती है। 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है तो उसमें वर्ड लेंथ 32 बिट की होती है। निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है? तो ये है परम। तो परम भारत में विकसित स्वदेशी सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज है, जो कि सीडेक कंपनी है, एक अर्ध सरकारी सॉफ्टवेयर कंपनी है। उस कंपनी में डॉक्टर विजय भटकर की अध्यक्षता में विकसित की गई है इस सीरीज को, और इसीलिए ही डॉक्टर विजय भटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर परमाणु हथियारों के विकास के लिए सहायता करने में सक्षम माना जाता है। तो इस क्षेत्र में ही आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से सबसे पहले 1988 में सीडेक कंपनी है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय पुणे यानी भारत में है। और 1990 में एक प्रोटोटाइप का उत्पादन किया गया और इसका 1990 के ज्यूरिख सुपर कंप्यूटर शो में बेंचमार्क दिया गया। इन प्रयास के परिणाम स्वरूप परम जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है परम सीरीज का, वो है परम 8000, उसका आविष्कार किया गया, जो कि 1991 में स्थापित किया गया था और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था 5th जनरेशन का। और परम सीरीज में सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला में जो सबसे नवीनतम सुपर कंप्यूटर है वह है परम गंगा, जो कि 7 मार्च 2022 को स्थापित किया गया। और जो परम सिद्धि AI है, ये सुपर कंप्यूटर अब तक का यानी 2021 तक का भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जिसने टॉप 500 के जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हैं उसमें 63वीं रैंक हासिल की है। और इसको 2020 में स्थापित किया गया था। किसी हाइब्रिड कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो ये होता है अनुरूप और अंकीय कंप्यूटरों का, यानी कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटरों का। तो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, बेस्ड ऑन अ साइज, बेस्ड ऑन अ वर्क और बेस्ड ऑन अ पर्पज। तो यहाँ पे अगर हम देखें बेस्ड ऑन अ वर्क, तो कंप्यूटर 3 टाइप्स के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? ये वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्रा, जैसे कि दाब हो गया, तापमान हो गया, स्पीड हो गया, इनको मापकर उन्हें अंकों में यानी डिजिटली उनको व्यक्त करते हैं। जैसे इस व्हीकल का स्पीडोमीटर हो गया तो वो स्पीड को मापता है, ये थर्मोमीटर हो गया जो टेम्परेचर को मापता है और उसको शो करता है, ये वेट मशीन हो गया, तो ये सब एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। वाइल जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, ये वो कंप्यूटर होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक संकेत यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पर चलते हैं और अंकों की गणना करते हैं, और इनमें गणना करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम 0 या 1 का प्रयोग किया जाता है।
जैसे कि ये वॉच हो गई, डिजिटल वॉच, कंप्यूटर हो गया, और हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा हुआ होता है। जैसे कि ये सब मेनली हॉस्पिटल्स वगैरह में लगे होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, जो एनालॉग का भी काम करते हैं और डिजिटल कंप्यूटर भी होते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया और कब लगाया गया? तो ये ISI कैलकटा में लगाया गया था 1955 में। तो भारत का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था HEC-2M होलोरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसको भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कैलकटा में वर्ष 1955-56 में स्थापित किया गया था। यह कंप्यूटर केवल भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होने के कारण खास नहीं था, बल्कि इसलिए भी खास था क्योंकि इसकी स्थापना के साथ ही भारत जापान के बाद एशिया का दूसरा देश बन गया था जिसने कंप्यूटर तकनीक को अपनाया था। इस कंप्यूटर का निर्माण भारत में नहीं हुआ था, बल्कि इसको इंग्लैंड से आयात किया था भारत ने, और ISI यानी इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कैलकटा में स्थापित किया था। इसका जो विकास है इस कंप्यूटर का, वो एंड्रयू डोनाल्ड बूथ ने किया था, जो उस समय लंदन के वर्कबैक कॉलेज में कार्यरत प्रोफेसर थे। और यह जो कंप्यूटर था ये फर्स्ट जनरेशन में निर्मित हुआ था, यानी इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था और इसलिए आकार में काफ़ी बड़ा था। चूंकि यह देश का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था, इसलिए संपूर्ण देश में विभिन्न प्रकार की जो वैज्ञानिक समस्याओं का समाधान है वो इस कंप्यूटर से किया जाता था, जैसे कि सुरक्षा विभाग या प्रयोगशालाओं से संबंधित समस्याएं, विभिन्न प्रकार के विश्लेषक आदि सब इससे किए जाते थे। इसके बाद ISI में यूराल नामक का एक अन्य सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया, जो कि आकार में इससे भी बड़ा था, और उस कंप्यूटर को रूस से खरीदा गया था, और यह भी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। तो ये कंप्यूटर भारत में विकसित नहीं हुए थे, इनको दूसरे देशों से खरीदा गया था। जो भारत में विकसित किया गया था, जो पहला कंप्यूटर था वो था ISI-JU, और यह दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था, यानी कि इसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इस कंप्यूटर का विकास दो संस्थानों के द्वारा किया गया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI और जादवपुर यूनिवर्सिटी यानी JU, इनके द्वारा किया गया था, और इसी कारण इसे ISI-JU नाम दिया गया। परम पदम जो हाल ही में चर्चा का विषय था, ये क्या है? तो ये भारत के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, जो कि परम सीरीज का है, जो कि CDAC के द्वारा विकसित किया गया है। और इसको ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि ये पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर था जिसने 1 TFLOP की सीमा को पार किया था। हम जानते हैं सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसको फ्लॉप में मापा जाता है, तो इसकी जो पीक स्पीड थी वो 1024 गीगा फ्लॉप थी, यानी अबाउट 1 TFLOP के बराबर थी। इसको दिसंबर 2002 में स्थापित किया गया था, और ये CDAC कंपनी के द्वारा। और परम पद्मा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसने दुनिया के सबसे तेज 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में जून 2003 में 171वां स्थान हासिल किया था। उसके बाद परम सिद्धि ने किया था, भारत का दूसरा सुपर कंप्यूटर है जिसने दुनिया के सबसे तेज 500 देशों के बीच 2021 में 63वां स्थान हासिल किया, और इसके साथ ही वो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर ने भी 66वीं रैंक हासिल की टॉप 500 प्रोजेक्ट में, और एक मिहिर सुपर कंप्यूटर है जिसको 146वीं रैंक हासिल हुई। इस टॉप 500 प्रोजेक्ट में जो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होने का खिताब मिला था वो था जापान के एक सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, तो इसको पहली रैंक मिली थी इस लिस्ट में। टॉप 500 प्रोजेक्ट की तरफ से जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर होते हैं इनको ट्रैक किया जाता है, जो कि 2 साल में 2 बार सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर की लिस्ट जारी करता है। CDAC का संबंध है, तो CDAC भारत की एक अर्ध सरकारी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि कंप्यूटर निर्माण से संबंधित है, और इसकी स्थापना
वर्ष 1988 में पुणे में की गई थी और इसी कंपनी के द्वारा ही परम सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला का निर्माण किया गया। इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो जब भारत ने सुपर कंप्यूटर खरीदने के लिए एक अमेरिकी कंपनी है क्रे रिसर्च कंपनी उससे संपर्क किया तो उन्होंने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया भारत को। तो जब मना किया तो भारत ने इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक स्वदेशी सुपर कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किया और 1988 में सबसे पहले सी डेक की स्थापना की गई जो कि पुणे में की गई थी और इसके निदेशक के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के डॉक्टर विजय भटकर को नियुक्त किया गया। इनकी अध्यक्षता में ही सी डेक कंपनी के द्वारा भारत देश का पहला सुपर कंप्यूटर जो कि परम सीरीज का पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000। इसका आविष्कार किया गया जो कि फिफ्थ जनरेशन का था और इसको 1991 में स्थापित किया गया था। तो इसलिए विजय भटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। ये कुछ ऐसा दिखता था परम 8000 सुपर कंप्यूटर। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित और डिजाइन किया गया था। तो ये नाल बेंगलुरु में विकसित किया गया था 1980 में। नाल होती है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु में है और ये भारत की पहली और सबसे बड़ी एरोस्पेस रिसर्च फर्म है। यह 1959 में दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा स्थापित की गई थी। इसका हम लोगो देख सकते हैं CSIR का शुरू में। और जो नाल है ये लोगो है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, ये HAL और DRDO और इसरो के साथ मिलकर काम करती है और भारत में नागरिक विमान विकसित करने की प्रमुख जिम्मेदारी है। तो फ्लो सॉल्वर नाल के द्वारा ही डिज़ाइन किया गया और असेंबल किया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जो कि एरोस्पेस के लिए उपयोगी है। तो ये बहुउद्देशीय सुपर कंप्यूटर नहीं है, इसलिए जो बहुउद्देशीय सुपर कंप्यूटर था पहला वो था परम 8000। विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो ये कहलाते हैं सीमोर क्रे। अगर भारत की बात करें तो भारत में डॉक्टर विजय भटकर हैं सुपर कंप्यूटर के जनक और विश्व की बात करें तो सीमोर क्रे हैं। तो ये एक अमेरिकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और सुपर कंप्यूटर आर्किटेक्ट थे जिन्होंने दशकों तक दुनिया में सबसे तेज कंप्यूटरों की एक श्रृंखला तैयार की और क्रे रिसर्च कंपनी की स्थापना की गई। 1960 के दशक में प्रारंभिक सुपर कंप्यूटरों को कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमोर क्रे ने डिज़ाइन किया था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था क्रे 1 जो कि इस तरीके से सी आकार का दिखता था जो कि 1976 में विकसित किया गया था और इसके निर्माण का श्रेय दिया जाता है अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी को। तो सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए सीमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।